नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लाए हैं WPL का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिंक। जी हाँ दोस्तों, जिंक एक खनिज है जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे काफ़ी असर पड़ता है। हालांकि अभी फ़िलहाल में हम लोग दोस्तों जानते हैं कि कोरोना के समय में अधिकांशतः लोग विटामिन सी और जिंक का टेबलेट यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों आज हम इसी टेबलेट्स के बारे में बात करेंगे, इसी जिंक के बारे में बात करेंगे कि जिंक की कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या असर होता है। एक्चुअली दोस्तों हमारा जो बॉडी है जिंक की कमी को खुद से पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें जिंक का अन्य खाद्य पदार्थों या उसके सप्लीमेंट पर निर्भर होना पड़ता है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि जिंक की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। सबसे पहला तो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा वीक हो जाता है। इसके बाद स्मेल, गंध की क्षमता, इसके अलावा टेस्ट, जीभ पे जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, उसका अनुभव में कमी आने लगती है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे कील मुहासे होना, त्वचा पर चकत्ते हो जाना इत्यादि। ये सारे प्रॉब्लम जिंक की कमी से हो सकते हैं। डिप्रेशन में चले जाना, तनावग्रस्त हो जाना, हमारे याददाश्त में याददाश्त की कमी होना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, ये भी जिंक से रिलेटेड है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता में कमी आ जाना जिंक के कारण ये ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों की कमजोरी भी जिंक की कमी के कारण हो सकती है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं AWPL के जिंक टेबलेट्स के बारे में। ये प्रोडक्ट है जो कि इसकी क्वांटिटी 60 कैप्सूल्स है इसमें, और इसका जो MRP रेट है 399 रुपये में है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 309 रुपये। ये 1 मंथ का डोज है। इसको लेकर आप जिंक से रिलेटेड होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं आप। दोस्तों यदि आपको भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या स्मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या याददाश्त कमज़ोर है, इन सारी समस्या यदि आपके पास है इनमें से कोई भी समस्या, तो आई होप आपको जिंक टेबलेट यूज करना चाहिए। इसको यूज करके आप इसका फीडबैक हमको कमेंट सेशन में बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।